दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। 31 लाख रुपए में बिका भारत का सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर, 500 रुपए से शुरू हुई थी बोली। एक नीलामी में तिरुवनंतपुरम के उद्योगपति बालगोपाल ने 31 लाख रुपए की बोली लगाकर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर KJ01CK1 खरीदा, जो भारत में बिका अब तक का सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है। उन्होंने यह नंबर अपनी नई पोर्शे 718 बॉक्स्टर के लिए खरीदा। इससे पहले सबसे महंगे रजिस्ट्रेशन नंबर का रिकॉर्ड हरियाणा के एक शख्स के नाम था, जिसने 26 लाख रुपए में नंबर खरीदा था। नीलामी 500 रुपए से शुरू हुई थी, जो 7 चरण में पूरी हो पाई, जो बालगोपाल की 30 लाख रुपए की सबस ऊंची बोली के साथ समाप्त हुई। हालांकि उन्हें 1 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस के तौर पर भी देना होगा, यानी इसके लिए बालगोपाल को कुल 31 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। साल 2017 में भी उन्होंने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर के रजिस्ट्रेशन नंबर KL01CB1 को 19 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। बालगोपाल देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में से एक देवी फार्मा के मालिक है, साथ ही उनके गैराज में कई लग्जरी कारें मौजूद हैं। इस नीलामी में उन्होंने यूसुफ शाइन को पीछे छोड़ा, जो सिर्फ 25 लाख रुपए की बोली तक ही इस नीलामी में शामिल हो पाए। बालगोपाल कारों के फैंसी रजिस्ट्रेशन नंबर का शौक रखते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रकम देकर रजिस्ट्रेशन खरीदने का उन्हें कोई अफसोस नहीं है, वो पहले भी बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी रकम दान में दे चुके हैं। अपनी पोर्शे 718 बॉक्स्टर के बारे में बताते हुए बालगोपाल ने कहा कि उन्होंने इस स्पोर्ट्स कार को इसके लुक्स और यूनिक कलर से इम्प्रेस होकर खरीदा है। उन्होंने आगे बताया कि पोर्शे की यह कार साइन एक्टर ममूटी के पास भी है, जिसे देखकर उन्होंने इस कार को खरीदने का फैसला लिया।